ये तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का मजाक बनाया जा रहा है। जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है, किराड़ी के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का होर्डिंग एक कचरे के ढेर के ठीक ऊपर लगा है और आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ये तस्वीर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने निशिकांत दुबे का ट्वीट को ट्वीट करते हुए इसे जमीनी हकीकत बताया। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ये तस्वीर ट्वीट की और साथ में लिखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा खोले गए 1000 मोहल्ला क्लिनिक में से ये एक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष साई प्रसाद और उनके साथ कई भाजपा समर्थकों ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की। तो क्या है इस तस्वीर की सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह के ट्वीट पर आदिल आजमी नाम के एक यूजर ने वायरल तस्वीर में दिख रही जगह का वीडियो शेयर किया। यानी ये होर्डिंग क्लिनिक से थोड़ी दूर लगा है। साथ में यूजर ने ये भी बताया कि क्लिनिक अंदर की ओर है जबकि होर्डिंग बाहर मेन रोड पर लगा है। आदिल ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये वीडियो उनके दोस्त ने रिकॉर्ड किया था। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो भेजा जिसमें होर्डिंग हटा दिया गया है। पहले यहाँ पे बोर्ड था, इसको PWD ने हटा दिया कल, ये वाला रास्ता था। पार्टी ने भी किराड़ी मोहल्ला क्लिनिक का एक और वीडियो ट्वीट करते हुए वायरल दावे को झूठा बताया। साथ में आपने भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम पर कचरे को लेकर निशाना भी साधा। तो जैसा कि आपने देखा, भाजपा नेताओं ने बिना हकीकत जाने कचरे के ढेर पर मौजूद किराड़ी मोहल्ला क्लिनिक के होर्डिंग की तस्वीर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए शेयर की, जबकि क्लिनिक मेन रोड से कुछ दूरी पर है।